आज तेलंगाना में दो मसाजिदों को जो सेक्रेटरीट में शहीद किया गया था उसके उन्वान पे नॉन पॉलिटिकल एक इजलास हमने मुनक्किद किया था क्रिस्टल बंजारा में। मतीन शरीफ साहब, मैं उस्मान मोहम्मद खान इसको बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल रखे थे, जिसमें सभी उलमाए दीन को, मशाकीन को, लीडरान को और जो भी कौम से जज्बा रखता है, मज़हब से जज्बा रखता है, उन तमाम लोगों को बुलाया गया था अपनी राय देने के लिए। आज खुलासा हो गया है कि जहां पे मस्जिद शहीद हुई थी वहां पे बिल्कुल नहीं बन रही है मस्जिद, और प्लान भी आ चुका है। मैं आज मेहंदीपट्टनम ACP ऑफिस पे आया हुआ हूँ, ACP साहब ने हमको परमिशन नहीं दिया और हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ चुकी है, तो मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, और के चंद्रशेखर राव साहब और उनके अलायंस मिलके यहाँ पे तेलंगाना में डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। अवामुन्नास से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से मैं अपील करता हूँ कि इस शहीद मसाजिदों के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आज 20 दिन हो गया है, वहाँ पे नमाज भी ख़त्म हो गई है, इनका सेक्रेटरीट बनने सालों लग जाएंगे, वहाँ पे नमाज नहीं होंगी। जिस मस्जिद में हय्याल सलाह, हय्याल फलाह की आवाज़ें गूंज रही थी वो रुक गई है। तो ये आप तमाम की जिम्मेदारी है, हमारे साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए और अल्लाह को राज़ी करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।